हाउज़बिल्लम शैतमन बसमल रनिम्सम क्लास थ्री वेलकम टू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स फ़ॉर ऑनलाइन क्लासेज़ अफलमनिर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम क्लास थ्री आज हम लेसन नंबर ट्वेल्व पढ़ेंगे उर्दू का बेटा उसका नाम है हज़रत दाता गंजब्श्श्श ठीक है लेसन नंबर ट्वेल्व है सबसे पहले इसकी रीडिंग करवाऊँगी मैं आपको और उसके बाद मैं कम्प्लीट एक्सरसाइज करवाऊँगी ठीक है हज़रत दाता गंज बख्श का असल नाम अली है आपका ताल्लुक अफ़ग़ानिस्तान के एक गांव हिजवेर से था इसलिए आप अली हिजवेरी कहलाते हैं गंज बख्श आपका लकब है जिसका मतलब है खजाने बख्शने वाला आपको दाता भी कहा जाता है जिसका मतलब है देने वाला इस तरह आप दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हैं और लोग आपको दाता गंज बख्श ही कहकर पुकारते हैं आपका मज़ार लाहौर में है आपने ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा लाहौर में ही गुजारा इसीलिए लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है ठीक है अब सेकंड पेज पे आ जाते हैं आप बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे आपने ज़िंदगी भर इल्म और दीन की अशायत की और बेशुमार इंसानों को गुमराही से बचाया आपने इल्म के हसूल के लिए तवील सफ़र भी किए और बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त कें आपने कई किताबें लिखी कशुल महजूब आपकी मशहूर किताब है जिसे बुलंद मुकाम व मर्तबा हासिल है ये किताब फ़ारसी ज़ुबान में है मगर इसके उर्दू तर्जमे हो चुके हैं आपने हमेशा रसूल क्रम सब बताए हुए रास्ते पर चलने की ताकद की और यही आपकी तलीमत का नचोड़ है आपके मज़ार पर हज़ारों लोग दिन रात अकीदत के साथ दुआ मांगते नज़र आते हैं हज़रत ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहा भी आपके मज़ार पर हाज़िर हुए और चालीस रोज़ तक कयाम किया सबसे पहले उन्हीं ने आपके लिए गंजब्श्श का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसके बाद तो इस लकब ने असल नाम से ज़्यादा शहरत हासिल कर ली ठीक है स्टूडेंट्स ये आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट हुई अब हम लेसन नंबर ट्वेल्थ की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मुदजा अल अल्फाज के मानी लिखिए आपने कॉलम बना के एक साइड पे अल्फाज और दूसरी साइड पे मानी लिखने हैं सबसे पहला है लकब वो नाम जो किसी ख़ास मदाह के सब पड़ गया हो सेकंड है नगरी नगरी कहते हैं शहर या कस्बा को थर्ड पे आएगा गुमराही इसका मीनिंग है बेदीनी और फोर्थ पे आएगा अकीदत अक़ीदत का मीनिंग है ईमान ठीक है अब देखते हैं बेटा सवाल नंबर एक है हज़रत दादा गंजब रहमत आलै को हिजवेरी क्यों कहा जाता है इसका जवाब है हजरत दादा गंजब्श रहमतल्ला का असल नाम अली हिजवेरी है आपका ताल्लुक अफवान अफग़ानिस्तान के एक गांव हिजवेर से था इसलिए आप अली हिजवेरी कहलाते हैं सवाल नंबर दो है लाहौर को दाता की नगरी क्यों कहा जाता है इसका जवाब है हजरत दाता गंजब्श रहमतल्ला ने जिंदगी का बहुत सा हिस्सा लाहौर में गुजारा और आपका मज़ार भी लाहौर में है इसलिए लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है सवाल नंबर तीन है हज़रत दाता गंजब रहमतल्ला की सबसे मशहूर किताब का नाम क्या है इसमें हम लिखेंगे कशफुल महजूब हजरत दाता गंजब रहमत लाई की सबसे मशहूर किताब का नाम है ठीक है आगे सवाल है हमारे पास कौन से सूफ़ी बुजुर्ग ने हजरत दाता गंजब्श रहमत अलैह के मज़ार पर हाज़री दी और 40 दिन क़्याम किया इसका जवाब लिखेंगे हज़रत मुनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत अलैह ने हज़रत दाता गंजब्श रहमत अलैह के मज़ार पर हाज़री दी और 40 दिन क़याम किया सवाल नंबर दो खाली जगह पुर करें अब बेटा खाली जगह पुर आपने अपने बुक के ऊपर ही करना है ये अल्फाज मानी और सवाल जवाब जो हैं ये आप अपनी कॉपी पे करेंगे ठीक है खाली जगह सबसे पहले लाहौर को दाता की डैश कहा जाता है इसमें फर्स्ट आपके पास आएगा नगरी सेकंड पे है महजूब आपकी डैश किताब है। इसमें लिखेंगे आप मशहूर थर्ड है आपका ताल्लक अफगानिस्तान के एक गांव डैश से था इसमें आप लिखेंगे हिजवेर और फोर्थ पे है बख्श आपका डैश है लकब ठीक है आगे है सवाल नंबर तीन लफ्जों की तरतीब दुरुस्त करके जुमला बनाएं इसमें है हजरत दाता बख्श ने कई किताबें लिखी ये इसका दुरुस्त हो गया जुमला फिर सवाल नंबर चार है दर्ज़ दल जमा अल्फाज के वाहिद लिखिए सबसे पहला है किताब किताबें रातें रात जुबाने जुबान मुश्किलें मुश्किल दुआएं दुआ शोहरतें शोहरत ठीक है सवाल नंबर पांच है दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं ये हमारे पास है पेज नंबर फोर्टी नाइन पे बेटा ठीक है सबसे पहला है हज़र दातागंज बख्श का असल नाम इब्राहिम था ये गलत है इसके आगे क्रॉस लगा देंगे सेकेंड है आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से था ये टिक है इसके आगे टिक लगा देंगे आपका मज़ार लाहौर में है ये भी दुरुस्त है इसके आगे टिक लगाएंगे आपने इल्म के हसूल के लिए सफ़र किए ये भी टिक होगा और लास्ट है कशफुल महजूब फ़ारसी ज़ुबान में है ये भी दुरुस्त है ठीक है उसके आगे है सवाल नंबर छः दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं सबसे पहला है हजरत दाता गंज अलैह का ताल्लुक किस मुल्क से था सबसे पहला अफगानिस्तान से इसके आगे आप टिक कर देंगे आपने जिंदगी का बहुत सा हिस्सा किस शहर में गुजारा यह है आ, आ, जो ऑप्शन सेकंड है बेटा लाहौर में इसको आप टिक करेंगे थर्ड है हज़रत दाता गंज बख्श अलैह का मज़ार किस शहर में है इसको आप थर्ड वाला जो है बेटा लाहौर में इसको आप टिक करेंगे फिर फोर्थ है हज़रत ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैह ने दाता साहब के मज़ार पर कितने अरसे तक क़याम किया इसको 40 दिन ये है सेकंड ऑप्शन ठीक है उसके बाद मुतजाद मिलाने हैं सबसे पहला है दिन दिन का होगा रात गांव का होगा शहर मशहूर का होगा गुमनाम ठीक है और थर्ड है इल्म इसका होगा जहालत फोर्थ है गुमराही इसका होगा रहनुमाई, और फिफ्थ है हाजिर हाजिर का होगा गैर हाजिर लास्ट पे बेटा पेज नंबर फिफ्टी पेज नंबर फिफ्टी पे है जुमलों को आपस में मिलाएं इसमें है हज़रत दाता गंज बख्श का ताल्लुक इसका उन्होंने मिलाया हुआ है कि अफ़ग़ानिस्तान से था ठीक है सबसे पहले फिर सेकंड है आपने ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा लाहौर में गुजारा हिस्सा लाहौर में गुजारा के साथ ज्वाइन कर देंगे आप बहुत बड़े इसको आप ज्वाइन करेंगे सूफ़ी बुजुर्ग थे फिर आपने लिखना है आपने हज़ारों लोगों को इसमें आप लिखोगे गुमराही के गढ़े से निकाला फिर है लाहौर को दाता की नगरी कहते हैं फिर आपका मज़ार लाहौर में है फिर उसके बाद बेटा आराब लगाएं, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं सबसे पहला है गंज गंज कहते हैं खजाना ठीक है सेकंड है जिंदगी जिंदगी को आप मिलाएंगे हयात के साथ थर्ड आपके पास आ जाएगा बुलंद बुलंद होता है ऊंचा फोर्थ है आसानी आसानी को आप करेंगे सहूलत के साथ मिलाएंगे और लास्ट है रहनुमाई रहनुमाई को बेटा आप रहबरी के साथ मिलाएंगे ठीक है क्लास थ्री आज आपका लेसन uh, नंबर ट्वेल्थ जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है इसकी हमने सबसे पहले रीडिंग की है और उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज़ को कंप्लीट किया है ये बहुत छोटा सा चैप्टर था काइंडली इसको बहुत नीट एंड क्लीन आपने अल्फाज मानी और सवाल जवाब जो है अपनी कॉपी पे करना है और बाकी सारा वर्क जो है वो बुक पे आएगा ठीक है बेटा और अच्छी तरह से काइंडली इसकी रीडिंग कीजिएगा और ये छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है इसको जल्दी आप कर लेंगे ठीक है ओके बेटा टेक केयर अल्लाह हाफिज़